नमस्कार। आज का टॉपिक है अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के परिणाम। अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम विश्व इतिहास की एक महत्वपूर्ण एवं युगांतरकारी घटना थी। विश्व के इतिहास में राजनीतिक दृष्टि से इस क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण योगदान यह था कि इसने राजतंत्र एवं कुलीन तंत्र के स्थान पर लोकतंत्र के आदर्श को प्रतिस्थापित किया। इस दृष्टि से अमेरिका की क्रांति फ्रांस की क्रांति की पूर्वगामी थी। दूसरा महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रयोग जो क्रांति के फलस्वरूप अमेरिका में किया गया वह था संघात्मक राज्य की स्थापना का, और इसी अर्थ में अमेरिका को संयुक्त राज्य अमेरिका की संज्ञा दी गई जो आज भी प्रचलित है। तीसरा नवीन राजनीतिक योगदान जो अमेरिकी क्रांति का यह था कि अमेरिका वह पहला राष्ट्र था जिसने जिसने एक लिखित संविधान को लागू किया। संयुक्त राज्य अमेरिका पहला राष्ट्र था जिसने एक स्थायी गणतंत्र की स्थापना की, राजतंत्र का उन्मूलन किया और अभिजात कुलीन तंत्र को प्रतिबंधित किया। वह पहला राष्ट्र था जिसने संघवाद को लागू किया और जिसके अंतर्गत स्थानीय स्वायत्तता को एक उदार सीमा तक सुरक्षित रखते हुए केंद्रीय सरकार को वास्तविक शक्ति प्रदान की गई। अमेरिका पहला राष्ट्र था जिसने अपने मूलभूत एवं स्थायी कानूनों को एक विस्तृत लिखित संविधान के द्वारा स्वीकार किया और अपनाया। क्रांति के बाद अमेरिका में एक स्वतंत्र एवं मुक्त चिंतन पर आधारित एक नवीन जीवन पद्धति का विकास हुआ। अमेरिकी क्रांति का अंतर्राष्ट्रीय जगत पर भी व्यापक प्रभाव पड़ा। जिन सिद्धांतों एवं आदर्शों को अमेरिकी क्रांति ने प्रतिस्थापित किया, उसका अन्य देशों के जीवन पर भी प्रेरणास्पद एवं परिवर्तनकारी प्रभाव पड़ा। अमेरिका की क्रांति ने अपनी बाद में होने वाली फ्रांस की महत्वपूर्ण क्रांति, जो कि 1789 में हुई थी, को वैचारिक प्रेरणा प्रदान की। ब्रिटेन में अमेरिकी क्रांति के परिणाम स्वरूप उदारवादी एवं प्रजातांत्रिक विचारों को अधिक विस्तृत रूप से लागू करने का प्रयास किया गया। आयरलैंड की संसद को 1782 में लगभग स्वतंत्र रूप प्रदान कर दिया गया। 1784 में ब्रिटिश संसद ने एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की और जिसका कार्य भारत में भारत सरकार की गतिविधियों का निरीक्षण करना था और यह देखना था कि ईस्ट इंडिया कंपनी कहीं अपने विशेष अधिकारों का दुरुपयोग तो नहीं कर रही है। अमेरिकी क्रांति के फलस्वरूप विश्व के विभिन्न उपनिवेश में भी आर्थिक शोषण के प्रति आक्रोश जागृत हुआ और राष्ट्रवादी विचारों को इससे संबल मिला। अमेरिकी क्रांति का एक महत्वपूर्ण राजनीतिक परिणाम यह था कि राजतंत्र के स्थान पर लोकतंत्र की स्थापना हुई। अमेरिका के सभी राज्यों में लोकतांत्रिक आधार पर नए संविधान की रचना की गई और जिसकी प्रमुख विशेषताएं थी मताधिकार में वृद्धि, विधान निर्मात्री सभाओं में शक्ति का केंद्रीकरण, वार्षिक चुनाव, अधिकारों के बिल द्वारा सरकारी सत्ता पर अंकुश। अमेरिकी क्रांति द्वारा जो नवीन राजनीतिक आदर्श थे, जैसे कि स्वशासन, लोकतंत्रात्मक सरकार, संघात्मक गणराज्य, लिखित संविधान एवं मानव के मूलभूत अधिकारों की स्वीकृति, इन सभी का हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय जगत पर भी व्यापक एवं दूरगामी प्रभाव पड़ा। अमेरिकी क्रांति का महत्वपूर्ण सामाजिक परिणाम यह हुआ कि स्वतंत्रता के साथ साथ समानता को भी मनुष्य के नैसर्गिक अधिकार के रूप में स्वीकार किया गया, और इसका अर्थ यह हुआ कि इससे पूर्व जो अमेरिकी समाज जिन
व्यक्तियों, जमींदारों, कुलीनों, धर्म विशिष्ट लोगों आदि को पारंपरिक एवं आनुवांशिक विशेषाधिकार जो मिले हुए थे उन्हें सिद्धांत अस्वीकृत कर दिया गया। अमेरिकी क्रांति की उदारवादी लहर ने अमेरिका में दास प्रथा की समाप्ति के आंदोलन को भी संबल प्रदान किया। अमेरिका के उत्तरी राज्यों में दासों की संख्या अपेक्षाकृत कम थी और उनका आर्थिक महत्व भी कम था, लेकिन इन राज्यों ने एक के बाद एक दासों की तात्कालिक एवं समयबद्ध मुक्ति की घोषणा की। उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि मैसाचुसेट्स में 1781 में हुए एक न्यायिक जजमेंट के परिणाम स्वरूप सभी दासों को मुक्त घोषित कर दिया गया। दक्षिणी अमेरिका में के राज्यों में दासों की समस्या बहुत अधिक जटिल थी, तो दक्षिणी राज्यों ने यद्यपि दास प्रथा की समाप्ति के निर्णय को बाद के लिए स्थगित कर दिया, लेकिन साउथ कैरोलिना एवं जॉर्जिया के अतिरिक्त अन्य सभी राज्यों ने विदेशों से नए दासों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। और अमेरिकी क्रांति की सफलता से जो आर्थिक परिणाम सामने आए उसमें ब्रिटिश वाणिज्यवाद के सिद्धांत और ब्रिटिश सरकार की वाणिज्यवादी हितों को भी काफी गहरा धक्का लगा। और वाणिज्यवाद के सिद्धांतों के अनुसार ब्रिटेन ने अमेरिका को इंग्लैंड के औद्योगिक केंद्रों पर निर्मित वस्तुओं के बाजार के रूप में विकसित करने का जो प्रयास किया था, और फिर उसने जो अमेरिका में उद्योग धंधों के विकास को अवरुद्ध बनाए रखा था। तो जब क्रांति हुई तो उसके बाद में अमेरिका ने अपने आर्थिक विकास की स्वतंत्र दिशाएं स्वयं तय की, और आरंभिक आर्थिक अव्यवस्था के बाद देश तेजी से आगे और विकास की ओर बढ़ने लगा। अमेरिका विशाल भू जो जागीरें थी को सरकार द्वारा जब्त कर लिया गया। भू स्वामित्व के नए नियमों से छोटे एवं मध्यम वर्गीय किसानों को बहुत लाभ हुआ। इससे उन कृषि के प्रति भी उनका जो उत्साह था वो काफी बढ़ा, और अमेरिका में स्थानीय उद्योग धंधों का भी फिर क्रांति के बाद काफी विकास होने लगा। अमेरिका के आंतरिक औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से अमेरिका के बहुत से राज्यों ने विदेशी वस्तुओं के आयात पर भारी सीमा शुल्क लगा दिया। मैसाचुसेट्स और रोड आइलैंड में वस्त्र निर्माण उद्योग का तेजी से विकास होने लगा। तो दूसरी तरफ कनेक्टिकट जो राज्य था उसमें घड़ियों का निर्माण हुए, टीन का सामान बनने लगा। अमेरिका के मध्यवर्ती राज्यों में कांच, लोहे और कागज की वस्तुओं के उद्योगों का विकास होने लगा। और इस समय चूंकि अमेरिका में कोई औद्योगिक नगर नहीं था, ना कोई औद्योगिक केंद्र थी नगरों में, और जो निर्माण कार्य था प्राय जो घरों में ही किया जाता था, और मुख्य और औरतें जो इसमें भाग लिया करती थी। और अमेरिका में इस काल में जहाज रानी उद्योग को भी काफी तेजी से वहां विकास हुआ, जिसने अमेरिका के विदेशी व्यापार की प्रगति के रास्ते खोल दिए। बहुत से विदेशी राष्ट्रों ने अमेरिकी व्यापारियों के लिए अपने बंदरगाह खोल दिए। 1790 तक अमेरिका का विदेशी व्यापार बहुत जोरों पे था, और अमेरिका के प्रत्येक बंदरगाह पर जहाजों का आगमन औपनिवेशिक काल की तुलना में बहुत अधिक होता था। व्यापारियों ने विदेशी व्यापार के एक नए समुद्री मार्ग को खोज निकाला था, जो आने वाले समय में अमेरिकी व्यापारियों के लिए प्रचुर लाभ का माध्यम बना। और इस नए मार्ग पर 1784 में अमेरिका के जहाज एम्प्रेस ऑफ चाइना ने न्यूयॉर्क से पैसिफिक ओशन के रास्ते चीन एवं ईस्ट इंडीज की यात्राएं की। वाणिज्य को प्रोत्साहित करने के लिए अमेरिका के पहले व्यापारिक बैंकों की स्थापना फिलाडेल्फिया एवं बोस्टन में की गई। अमेरिकी क्रांति का एक महत्वपूर्ण धार्मिक परिणाम यह हुआ कि अमेरिकी वासियों को पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता मिल गई। अमेरिका के लगभग सभी प्रांतों में चर्च एवं राज्य का पृथक्करण हो गया। इससे पहले अमेरिकी वासियों से बिशप संघवादी चर्च के लिए राज्य द्वारा धार्मिक टैक्स वसूल किया जाता था, जो इस प्रथा को अब बंद कर दिया गया। नॉर्थ कैरोलिना ने 1776 में एक संविधान बनाया जिसमें धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की गई। 1777 में जॉर्जिया और 1778 में साउथ कैरोलिना ने भी अपने संविधान के द्वारा धार्मिक स्वतंत्रता को
स्वीकृत कर दिया और धीरे धीरे अमेरिका के अन्य प्रांतों में भी यही किया गया। और इस संदर्भ में वर्जीनिया के धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम, वर्जीनिया स्टैच्यू ऑफ रिलीजियस लिबर्टी, जो कि 1786 में पारित किया गया, और इस बिल में कहा गया था कि सरकार को चर्च के मामलों या अंतरात्मा के मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और किसी भी तरह के धार्मिक विश्वास के लिए कोई भी वर्जना नहीं लादनी चाहिए। अमेरिकी क्रांति का एक महत्वपूर्ण परिणाम जो निकल के सामने आया वह ये था कि अमेरिका में सार्वजनिक शिक्षा के महत्व को प्राथमिकता दी गई और अमेरिका के जो नेता थे वो इस सत्य को भलीभांति समझते थे कि लोकतंत्र की सफलता जागरूक एवं प्रबुद्ध मतदाताओं पर ही निर्भर करती है। तो क्रांति के बाद अमेरिका की सरकार ने सार्वजनिक शिक्षा के महत्व को स्वीकार करते हुए 1785 के भूमि अध्यादेश के माध्यम से लाखों एकड़ भूमि को सार्वजनिक स्कूलों के लिए आरक्षित कर दिया तथा 1787 के नॉर्थ वेस्ट ऑर्डिनेंस द्वारा सार्वजनिक शिक्षा की एक माकूल व्यवस्था करने का प्रयास किया। धन्यवाद।